हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि सभी यहां पर डिबेट कंपटीशन जीत चुकी है, सेलिब्रेशन का माहौल है। लेकिन ये सेलिब्रेशन कब तमाशे में और बड़े धमाके में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, ईशान अपनी माँ से मिल चुका है और पूरी तरीके से उनको माँ मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन सभी के लिए खुशी ये है कि स्कॉलरशिप मिल गई है बॉस्टन इंस्टीट्यूशन में, जो है उसका एडमिशन आसानी से हो सकता है और फीस की टेंशन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब शाम को जाते जाते यहाँ पर बहुत देरी हो जाएगी, कभी बस के कारण, तो कभी मस्ती के कारण, तो कभी किसी और कारण, तो कभी किसी और कारण। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए किसी भी टीवी सीरियल के एक्ट्रेस या एक्टर जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और ये तो भाई इंडियन टेलीविजन का इतिहास है, इसके बिना तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर जब भवानी काकू सवाल करने वाली हरिणी से कि सच सच बता सभी कहां पर है, तो यहां पर भवानी काकू मेहमानों को जवाब देने के लिए किसी काबिल नहीं रहने वाली है। और यहां पर भवानी काकू को लगेगा कि इसने तो नाक कटवा दी है, पहले ही चवान निवास जो है हमारे पास नहीं रहा है, दूसरे शहर में आकर गांव में रहना पड़ रहा है। और यहां पर भी अब उस जंगली मुल्की के कारण जो है मेरी इज्जत यहां पर भी नहीं रही। और भवानी काकू फुल ऑन फायर होने वाली है यहां पर, और सभी की धनु हो चाहे सभी के कपड़े हो, सब कुछ तबाह करने के लिए भवानी काकू पूरी तरह तैयार है। और भवानी काकू ये डिसाइड करने वाली है कि आज के बाद तेरा कॉलेज जाना, बाहर निकलना सब कुछ बंद है, तेरी शादी होगी और अब तेरी घर से जब विदाई होगी, जब ही तू घर से बाहर निकलेगी। और यहां पर सभी के कारण जो है हरिणी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तमाचा भी पड़ जाए तो ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि भवानी काकू से इतनी एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं कि वो इतना और ज्यादा गिर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर भवानी काकू आने वाले एपिसोड में तमाशा करने वाली है। तो दूसरी ओर ईशान भाई साहब जो है अपनी माँ को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल है, और ये चीज उसके माइंड में है कि आखिरकार उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों गई। और वहीं पर एक चीज उसके माइंड में ये भी है कि वो उसके आई के सामने था, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें जो है अपनी आई नहीं बोल पाया और उन्हें यहां से जाने के लिए बोलकर लौट आया। ऐसे में दोस्तों ईशान का भी यहां पर एक्सीडेंट होते हुए आपको नजर आएगा। अब देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईशान भी नागपुर जो है जा रहा था, तो उसी रास्ते से वो जा रहा था जहां पर सभी से वो टकराया था। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड में कि क्या एक बार फिर से सभी और ईशान की जो है मुलाकात होते हुए हमें यहां पर नजर आती है या फिर नहीं। हालांकि दोस्तों यहां पर ईशान की मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो यहां पर सभी का वहां पर होना किसी के लिए भी शॉकिंग तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही रहता है कि यहां पर सभी एक बार जो उसका नुकसान कर चुकी है वो इस बार उसकी मदद करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी टेंशन जो है वो सभी के लिए खुद के लिए क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी आने वाले एपिसोड में, क्योंकि भवानी काकू तमाशा जो है पूरी तरीके से बढ़ा चुकी है और सभी की शादी वो फिक्स कर देने वाली है, और शादी से पहले सभी का घर से निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पर पूरी तरीके से सभी के पास लेटर भी आ जाने वाला है भोंसले इंस्टीट्यूट का कि यहां पर उनकी स्कॉलरशिप जो है वो एक्सेप्ट की गई है, उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और यहां पर कॉलेज में आकर जो है एडमिशन लेना होगा टाइम से पहले, जिससे पहले सारी सीट रिजर्व हो जाए। और ऐसे में यहां पर सभी के लिए मंडप भी तैयार रहने वाला है, तो दूसरी ओर उसका करियर भी तैयार रहने वाला है। अब यहां पर लोगों का सवाल यह था कि ये सब तो कहानियां हैं, पहले भी बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं, लेकिन यहां पर जानना यह है कि सभी तो यहां पर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, एक एसीपी डीसीपी और मतलब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, पुलिस बनना चाहती थी, पर ये तो कलेक्टर के सपने अब देख रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर सई जोशी की बेटी है, तो सपने भी थोड़े बड़े ही होंगे, क्योंकि देखो असल मायने में रियल लाइफ भी आप लोग देखें तो एक जो कलेक्टर होता है, जिसे आप डीएम बोल दें चाहे से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल दें, कलेक्टर बोल दें, लगभग एक जैसे ही काम सबके होते हैं। वाकई में असल रूप में हम देखें तो पुलिस से और बाकी सारे पुलिस के जितने भी ये स्टाफ होते हैं, जितने भी पद होते हैं, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, एसीबी हो, इन सभी से ऊपर ही कलेक्टर को माना जाता है। तो यहाँ पर सभी के सपने समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो वादा उस गार्ड से कर आई है चौहान निवास के, इस चेहरे को याद कर लेना,
कुछ साल बाद मैं फिर से आऊंगी यहां पर और एक सरकारी गाड़ी में बैठकर आऊंगी और इस दिन तुम खुद मेरे लिए ये घर के गेट खोलने वाले हो। और ऐसे में ये सपने भी यहां पर सभी पूरी करते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहां पर जब तक सभी ये सपना पूरा नहीं करती तब तक तो भवानी काकू से उसकी वॉर ही चलने वाली है, क्योंकि भवानी काकू को अगर शांत करना है तो लालच का डोज देना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भवानी काकू को तो हमेशा से यही रट लगाई है कि यहां पर नारी जो है वो सिर्फ शादी के लिए बनी होती है, घर के कामकाज के लिए बनी होती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार जो है इस चीज को झुठला दिया था जब उनकी प्रिय बहू पत्र लेखा को उन्होंने बिजनेस सौंप दिया था। उस समय ये बातें उनको याद नहीं आई थी कि यहां पर जो घर की बहू होती है वो बहू ही होती है, घर में ही रहती है, वो बिजनेस नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर अब क्या कर सकते हैं, सीरियल के मेकर्स को उन्हें विलेन भी बनाना था तो कभी अच्छा भी दिखाना था, तो ऑल ओवर कर जो है भवानी काकू के किरदार को वो लोग खिचड़ी बना चुके हैं, जिसे किसी भी तरीके से खाया जाए, निगला जाए, पिया जाए, एक ही बात है, पसंद तो किसी को नहीं आनी। वेल दोस्तों, यहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।